हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मसाला ऑमलेट की रेसिपी। और ये रेसिपी एक्चुअली मेरे डैड की है, उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया था बनाना, वरना मैं तो ऐसे नॉर्मली ऑमलेट बनाती थी। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा, प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने उसके लिए एक पैन रखा है गैस पे, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसको गरम कर लिया है। अब मैं इसमें अनियन डालूंगी, तो एक प्याज को ऐसे बारीक काट लिया है, बड़ा प्याज था तो वो डाल दूंगी, और 3 हरी मिर्च है उसको भी डाल दूंगी। एक टुकड़ा अदरक का है उसको भी डाल देंगे। और अब इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अनियन के ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें अभी हम टमाटर भी ऐड करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये देखिए गाइस, प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब मैं इसमें 1 टमाटर ऐड करूंगी, जो जिसको मैंने सब छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए गाइस, प्याज टमाटर हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और अब हम चलते हैं ऑमलेट बनाने के प्रोसेस में। तो ये देखिए गाइस, मैंने एक बाउल में 2 अंडे डाल लिए हैं। मैं डबल एग का ऑमलेट बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंगल अंडे से भी बना सकते हैं। अब मैं उसमें जो हमने फ्राई किया था अनियन टमाटो, वो सब मस्त डाल लूँगी मैं इसमें। 2 चम्मच डाल लूंगी और अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। तो गाइस, अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, या स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आप ऐसे एक बार बना के देखिए, मसाला ऑमलेट बहुत ही अच्छा लगता है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब गाइस, हम इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ कुछ मसाले गाइस मैं अपनी मर्जी से ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। आप अगर कुछ ना डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है बिल्कुल। मिक्सर की हेल्प से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने गैस पे तवा रख दिया और उसमें मैं 1 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। आप जो भी ऑयल खाते हो वो डाल सकते हैं, हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं, हमारे घर में वही यूज़ होता है। सो वो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, इसलिए मैं वही डाल रही हूँ। तवा अच्छे से गरम होना चाहिए और अब मैं इसमें ऑमलेट डालूंगी।
स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसको अच्छे से पक जाने देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। तवा घुमा घुमा के अच्छे से पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए एक साइड से ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल साइड साइड से ऐसे घुमा के डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है, उसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आप एक बार इसे ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइज़।